गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। देखो भाई क्या पढ़ेंगे, देखो अगर अलोंग अ ग्रुप चले, मान लो मैं कहता हूं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम, तो मेरी मूवमेंट क्या थी, अलोंग अ ग्रुप थी, लिथियम से सोडियम पे पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम, साइज बढ़ा, और अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का और आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो आयनेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन ए ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, बिकॉज ऑन मूविंग the group atomic size increases because of addition of new shell। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और अगर एक नया शेल जुड़ता है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। ये था ग्रुप की, अब बात करती है ना पीरियड। इन अ पीरियड देखो पीरियड के अंदर क्या होगा, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, शेल सेम है, और सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गया तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो मैं क्या कहता हूं, इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी increases from left to right, ठीक है। अब तुम लोगों से कोई पूछे, फॉर एग्जाम्पल, अब तुम लोगों को पता है आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम नाइट्रोजन एंड नियोन आर इन सेकेंड पीरियड, मैग्नीशियम फॉस्फोरस एंड आर्गन इन थर्ड पीरियड, हैव हायर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड। देखो क्यों, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, अब तुम लोगों को पता चल गया 1s2 2s2 लो जी, दूसरा नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, और तीसरा नियोन 1s2 2s2 2p6। देखो अब ध्यान से, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 7 10, सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड क्यों, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ हम लोगों ने दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। बताओ ज्यादा स्टेबल होती थी या नहीं होती थी? ड्यू टू फुल फील्ड ऑर्बिटल, और ये क्या था, ड्यू टू हाफ फील्ड, और ये भी क्या था, फुल फील्ड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, अब तुम लोग बता सकते हो। इसका तुम लोग अब खुद बताना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 15, 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 12 की, 15 की, 18 की, और तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या लिखते हैं, इन ईच पीरियड एल्कली मेटल शो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक बात। नेक्स्ट, इन ईच पीरियड नोबल गैसेस shows highest first ionization energy। मैं भी बताता हूं क्या मतलब होता है highest first ionization energy। देखो जी क्या होता है, मैं कहता हूं मेरे पास मान लो नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, तो मैं क्या करता हूँ, 1s2 2s2 2p3 है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो 2p में से निकालना है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल थी। बोलो थी या नहीं थी? अगर एक्स्ट्रा स्टेबल थी तो हम लोगों ने क्या कहा कि इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p2। पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाला उस आयनाइजेशन एनर्जी को मैंने नाम दे दिया IE1। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला IE2, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला 2p0 IE3। इस तरह से एक एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूं और जो एनर्जीज मैं यूज कर रहा हूं एक के बाद एक, उन एनर्जीज को कहा जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नोबल गैसेज, नोबल गैस कौन होती है, नियोन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। अब बेटा ये तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा महाभारत, क्योंकि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इसकी जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। क्यों ज्यादा मिलेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसीलिए क्या कहा गया। अब देखो इसके अंदर क्या बात कही गई, इसने ये कहा इन ईच पीरियड नोबल गैसेस शोज हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, फुल फील्ड से। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये था बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो और उसको कैटायन बनाना हो तो जिस एनर्जी की नीड होती थी, जिस एनर्जी की जरूरत होती थी, उसको हम लोगों ने नाम दिया आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर किसी सिस्टम के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो वो सिस्टम कैसा बन जाएगा, एनायन बनाएगा, और जिस एनर्जी की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं क्या लिखता हूं, पहले द एनर्जी इन्वॉल्वड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू सिस्टम टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनर्जी चेंज दैट अकर्स फॉर प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू गैशियस आइसोलेटेड एटम टू कन्वर्ट इट इन नेगेटिव आयन, टू कन्वर्ट इट इन नेगेटिव आयन। मैं क्या लिखता हूं, ए गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए एनायन गैशियस। तो डेल्टा ई जी एच इज इक्वल टू डेल्टा एच। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो भाई, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर किसी सिस्टम के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, पहले से वो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि स्टेबल पहले इस सिस्टम क्या है, स्टेबल। लेकिन अगर फिर भी मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है तो मुझे क्या है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिस्टम पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है और उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो फेवरेबल होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है लव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है नेगेटिव शो करे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। तो मैं क्या कहता हूं, इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज इट मेजर्स अट्रैक्शन ऑफ एटम, अट्रैक्शन फॉर एडिड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक
डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, द प्रोसेस इज, प्रोसेस इज एक्सर्गिक, एक्सर्गिक, एक्सर्गिक का कुछ भी मतलब नहीं होता, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो बना है एग्जिट से, अगर किसी सिस्टम के अंदर से एनर्जी बाहर जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सर्गिक, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल Cl से जब बना Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। बेटा माइनस का साइन है, इसका मतलब कैसा रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। अब बताओ इसको नीडेड था क्यों, क्योंकि Cl 17 एटॉमिक नंबर 287 और Cl2 नेगेटिव 288, बताओ एक्स्ट्रा स्टेबल जोन में चला गया या नहीं चला गया, बोलो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट फोर, फोर गैसेस लाइक नोबल गैस, फोर गैसेस लाइक नोबल गैस, देखो जैसे आर्गन था, आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आर्गन। अब ध्यान से सुनना बेटा, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो आर्गन अगर ये बना रहा है, ये पहले से एक्स्ट्रा स्टेबल था यार, आर्गन की फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, आर्गन का एनायन बना रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, हाईली अनस्टेबल, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, दैट विल बी पॉजिटिव। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं, द प्रोसेस विल बी एंडोर्गिक, एंडोर्गिक एंड विल शो पॉजिटिव साइन, कैसा साइन शो करेगा, पॉजिटिव साइन। अब तुम लोगों के पास एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, करें, देखो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है, तब बताना है हम लोगों को डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव से जब ऑक्सीजन टू नेगेटिव बनता है तो बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डेल्टा एच, यानी कि एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1s2, 2s2, 2p4। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अब इसकी टेंडेंसी तो है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये क्या हो जाएगा, क्या शो करेगा, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन एक नेगेटिव से फिर O2 नेगेटिव। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो डेल्टा एच है इस प्रोसेस के लिए, यहां पे तो होगा -141 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड, और जो दूसरी प्रोसेस है इसमें डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव 780 किलो जूल मोल इनवर्स, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। ये अभी ये क्वेश्चन बनता है, अभी थोड़ी देर बाद इसको समझाऊंगा, क्वेश्चन आता है वाई ओ टू ओ नेगेटिव इज एक्सोथर्मिक, ओ नेगेटिव टू ओ टू नेगेटिव इज एंडोथर्मिक, गिव योर रीजंस। अभी नेक्स्ट फैक्टर्स
ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स. पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम. ठीक है, देखो क्या है, एटम का साइज छोटा, साइज छोटा तो न्यूक्लियस का और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन जब जब ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम स्ट्रॉन्गर विल बी अट्रैक्शन दस ग्रेटर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ग्रेटर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर चार्ज. भाई न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो भी अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा. तो क्या लिखते हैं, मोर द न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रोंगर इज द अट्रैक्शन दस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम लोगों को पता है जिसकी पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इलेक्ट्रॉन लेगा ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना या देना वो अनस्टेबल सिस्टम की वजह से होता है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल configuration has little or no tendency to accept additional electron. ठीक है, hence इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर लो और जीरो इन दिस केस. बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई. ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, ऑन going from top to bottom electron gain enthalpy becomes less negative and becomes more negative in going from left to right
इन पीरियड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? सीधी सी बात है, टॉप से बॉटम आएगी, साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम तो लेस नेगेटिव। इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड साइज छोटा होता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो मोर नेगेटिव बढ़ती जाएगी। अरे बोलो बात समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, ऑन मूविंग इन अ ग्रुप, ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, द साइज इंक्रीजेस एंड हेंस एंथैल्पी बिकम्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। बोलो बेटा बात समझ में आई नहीं है? ये था बेटा एक फैक्टर। अभी कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक दो बातें और बच रही हैं बस, ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप लोग इन इस सारे पूरे चैप्टर का ढंग से नोट्स बना करके लिखो, क्योंकि बहुत कम बच्चे जूम क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने लेक्चर भेजा है। इसको ढंग से कॉपी के अंदर लिखो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जूम क्लास के अंदर ही, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह। अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे से पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।